ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल जैसे बताओ तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एग्जांपल क्या होगा बोलो, ये डाउट क्लास ही रख लेते हैं आज। एसिड बेसिस, ठीक है बोलो। कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल दो कोई। नहीं पता एग्जांपल, इतना सारा एग्जांपल बताया गया तुम लोग को। नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे सीओ टू हो गया, सीओ टू प्लस H2 एसओ टू हो गया, एनओ एन टू हो गया, ठीक है। ये सारे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, और इन सभी का हाँ नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। जरूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल, बहुत सारे न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। जनरली एसिडिक है नेचर, क्योंकि इनका जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे ना पानी के साथ, तो ये एक एसिड देता है। जैसे सीओ टू प्लस एच टू करोगे तो एच टू सीओ थ्री, ये कार्बोनिक एसिड है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये एसिडिक नेचर का होता है, कार्बोनिक एसिड। उसी तरह एस ओ टू प्लस एच टू अगर करोगे तो एच टू एसओ थ्री बनता है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। और एसओ थ्री प्लस एच टू अगर करोगे तो ये H2O3 एच टू एसओ फोर, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर। जैसे एनओ टू प्लस एच टू करोगे तो ये एच एनओ थ्री बनता है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। बहुत सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कौन कौन सा होता है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही है, बट ये न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है ना, ठीक है। एसिडिक बेसिक्स में कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल आता है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एनओ, ये भी न्यूट्रल है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होते हैं, जनरली लिखा हुआ कि कुछ कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। और एसिडिक बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि उनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक एसिड बनता है, इसीलिए हम लोग एसिडिक नेचर। और कोई डाउट? सर और एक मेटा मिनट, हाँ मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो बेस मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेटालिक ऑक्साइड्स, ऊपर करिए ना। हाँ कर रहे हैं रुको। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे मान लो Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का होता है, तो इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये क्या बनेगा? NaOH। तो NaOH क्या है? एक बेस है, तो इसलिए ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो बुकलेट तुम लोग बनाए होगे, तो बुकलेट में जो भी डाउट है एसिड बेस एंड सॉल्ट का तो पूछ लो, आज डाउट क्लास ही रहने देते हैं, क्योंकि मेटल नॉन मेटल का मोस्टली तुम लोग का हट ही गया पोर्शन, तो वो तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो पूछो जो भी डाउट है, जिसको पूछना है मेटल नॉन मेटल, या फिर उससे पहले वाले चैप्टर केमिकल रिएक्शन का भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक इन नेचर, जनरली बेसिक इन नेचर। पूछो जल्दी जल्दी। नहीं पूछना है किसी को कुछ? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताइए ना, क्या चीज? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर कंबाइंड फॉर्म में रहता है ना सॉल्ट के साथ, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वो क्रिस्टल्स के साथ वाटर कंबाइंड फॉर्म में रहता है, ठीक है। जैसे सी यू एस ओ फोर है, ये सी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, उसके साथ अटैच्ड है। तो ये 5H2O को जो है, जो कंबाइंड फॉर्म में क्रिस्टल के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
अब इसको जैसे ही हिट करोगे, ये जब तक वाटर अप क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ है तब तक ये ब्लू कलर का होता है, हाइड्रेटेड बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ है। जैसे ही इसको हीट कर देंगे तो ये एनहाइड्रस हो जाता है, CuSO4 ये एनहाइड्रस हो गया। एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं, वाटर हाँ, नहीं, वाटर निकल गया। तो अब इसका कलर क्या हो जाता है, ये ब्लू से व्हाइट हो गया एनहाइड्रस वाला। एक्चुअली जो उसमें कलर आ रहा था ना ब्लू कलर, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से ही था। इसको हीट करने पे वो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो फिर अब इसका कलर व्हाइट हो गया। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल में होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे वॉशिंग सोडा में भी था Na2CO3.10H2O था ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी है CaSO4 डॉट, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हाफ एच टू, हाफ एच टू, वन बाय टू। जिप्सम में भी होता है, इसको पढ़ते कैसे, हाफ पढ़ते हैं। हाफ एक्चुअली आधा वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये क्या है, दो CaSO4 के मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे है, तो जैसे सर हाफ ही बोलेंगे, हाफ एच टू। हाँ, एक एच टू वो मॉलिक्यूल है और इसको शेयर कर रहा है दो CaSO4 का मॉलिक्यूल, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का दो दो मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है। तो किसी एक के लिए अगर रिप्रेजेंट करना हो हमको, तो किसी एक के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, CaSO4.H2O। तो एक्चुअल में ये हाफ नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आधा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होगा, इसको बस ये रिप्रेजेंट किया जाता है, एक का कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक के लिए दिखाएंगे तो ये हाफ। एक्चुअल में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दो CaSO4 के बीच में शेयर हुआ होता है, ठीक है, ये है एक्चुअल, ठीक है। तो इसलिए इसको हेमी हाइड्रेट भी बोला जाता है सर। हाँ बोलो सर, एसिड प्लस मेटल जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। हाँ, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस फेरिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो फेरिक फ्लोराइड प्लस डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड निकालता है, इसमें हाइड्रोजन कहाँ है सर? किसका रिएक्शन बोले, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और प्लस फेरिक ऑक्साइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BF3 प्लस Fe2O3, BF3 प्लस Fe2O3, चलो यहाँ लिख रहा है BF3 प्लस Fe2O3। तो इसमें कौन रिजल्ट आता है इसका, Fe3 प्लस BO2O3, क्या रिजल्ट आ रहा है, Fe3 प्लस B2O3 ये ना, इसमें हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व नहीं हो रहा है सर। तो ये इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा मेटल है, पहले ये एसिड और मेटल के बीच का रिएक्शन है क्या, सर ये BF3 एसिड है सर और Fe2O3 मेटल, Fe2O3 मेटल है, मेटल मतलब मेटालिक ऑक्साइड है ना, सॉरी सर मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो मेटल थोड़ी ना बोल सकते, मेटालिक ऑक्साइड है ना ये, और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, ये एक्चुअली अभी इसके बारे में नहीं पढ़ोगे, ये एक लुईस एसिड होता है, मतलब अभी ऐसे डायरेक्टली एसिड, क्योंकि वो तुम लोग को 11th में डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है, ये एसिडिक अभी जनरली तुम लोग आर्हेनियस का डेफिनेशन ही पढ़ना है हम लोगों को सर। मैं मतलब बुक में एसिड डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एसिड प्लस मेटल का हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, टोटल के नहीं, नहीं, वही लिखा हुआ है, एसिड प्लस मेटल के रिएक्शन में लिखा गया है, यहाँ मेटल थोड़ी ना है, समझ में आ रहा है, मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड हो गया ना, ये Fe अगर रहता तो फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग इस टाइप का रिएक्शन बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन हो रहा है ना, कि Fe जो है
वो इसके फ्लोरीन के साथ चला गया तो FeF3 बन गया, और इसका बोरोन जो इसके ऑक्सीजन के साथ चला गया तो B2O3। ये किस टाइप का है? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन दिख रहा है यस सर। जिसमें कि आयंस म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों के, ठीक है? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे एक टाइप पढ़ सकते हो। अब एसिड प्लस मेटल सारे केसेस में हाइड्रोजन नहीं होता है, जो मेटल जो है हाइड्रोजन के नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो थोड़ी हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl का रिएक्शन होगा क्या? इसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा? नो नो रिएक्शन। सर, रिप्लेस ही नहीं करेगा। क्योंकि वो कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होता है। जैसे सिल्वर का हम लोग रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो इसमें भी नो रिएक्शन होगा, ठीक है? तो जो वही मेटल हाइड्रोजन गैस देगा एसिड के साथ रिएक्ट करके, जो हाइड्रोजन से ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है? यस सर। चलो, और कुछ है जिसको इसको जो भी पूछना है पूछ लो, जो भी डाउट हो रहा है किसी। हाँ बोलो। जिप्सम किसको कहते हैं? जिप्सम ये है ना CaSO4.2H2O, हाँ ये तो है जिप्सम। तो सर, इसको हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करेंगे तो जिप्सम बन जाएगा ना क्या चीज? सर? जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, हाँ। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करेंगे तो फिर से जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करेंगे फिर से कैसा जिप्सम बन जाएगा? तो जिप्सम को हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, 373 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। हाँ, केल्विन। तो जिप्सम को जैसे ही हीट करोगे 373 केल्विन पे, तो वो वाटर अप क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है एक, ठीक है? और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? CaSO4.5H2O में। इसको हीट कर रहे हैं हम लोग 373 केल्विन पे, तो CaSO4.5H2O, ठीक है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP। जिप्सम कैसे बनता है? जिप्सम वो कैसे तो बनता है मॉइस्चराइज वो करके बनेगा ना सर, हाँ। मॉइस्चराइज करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो। सर जिप्सन कैसे बनता है वापस? जिप्सन वापस जिप्सम मतलब इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें उतना मिल जाएगा तो वापस से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करने पे थोड़ी, हीट करने से तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता है ना उससे बाहर, तो उसमें तो ऐड करना होगा ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना देखो, ठीक है? जब तक ऐड नहीं होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स तब जिप्सम थोड़ी ना बनेगा तब तक, ठीक है? यस और बताओ। हाँ वाटर जब इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में तब जाके जिप्सम बनेगा, ठीक है? सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करने पे जिप्सम बनता है। और पूछना है पूछो, जल्दी जल्दी पूछो जिसको भी पूछना है। जो भी क्वेश्चन बनाया हो बुकलेट के, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो आसान, आराम से, कोई डाउट नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछ लो जो भी है। तुम लोग बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं? बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है हाँ वो सर, सारा, हाँ सर, करते हैं। तो वो चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाओ, नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिलता है उतना। तो जो अभी तो काफी टाइम है, जो भी चैप्टर खत्म होते जा रहा है बोर्ड के एक्सरसाइजेस या बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक रखते हो कि नहीं तुम लोग?
ले हो या नहीं क्वेश्चन बैंक, सब लोग ले लो क्वेश्चन बैंक एक, कोई भी क्वेश्चन बैंक इन द सेंस मतलब वो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो आया हुआ है, ठीक है? तो लास्ट 10 साल में देखो, लास्ट 10 ईयर भी बना लोगे ना तो उसी से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा सेम टू सेम। बोर्ड में तो लिमिटेड है ना यार, उससे बाहर थोड़ी ना पूछेगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी। उसी टाइप के क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के स्टेटमेंट चेंज करके पूछेगा बस, ठीक है? तो बहुत सारा क्वेश्चन मतलब लास्ट 10 ईयर के प्रैक्टिस कर लोगे पेपर तो आराम से तुम्हारा मतलब 60-70% क्वेश्चन वही रिपीटेड वाला ही आएगा, ठीक है? तो इसलिए वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। नहीं पूछना है किसी को कुछ और? बाकी सबका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। कुछ नहीं बचा पूछने के लिए? दोनों चैप्टर में केमिकल रिएक्शन से भी पूछ सकते हो। नहीं पूछना है? पूछना है और किसी को कुछ? हेलो, पूछना है? नो सर। थैंक चलो, तुम लोग नहीं पूछोगे तो हम पूछते हैं। एंट एसिड बताओ तो क्या होता है? एंट एसिड क्या होता है? विच गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। तो एंट एसिड का कोई एग्जांपल बताओ। मैम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH होल्ड वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये इसका नेचर एसिडिक नेचर होता है या बेसिक नेचर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताओ तो? बेसिक बेसिक नेचर, क्योंकि ये एसिडिटी को रिड्यूस करता है हमारे बॉडी में, ठीक? चलो ये बताना, क्रश्ड एग शेल अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलता? फिर से बोलिए। लिखा हुआ है क्रश्ड एग सेल का रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बताओ रिएक्शन क्या मिलेगा? ये रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन लिखो, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखो। क्या बताओ? क्रश्ड एक्सेल में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? ये तुम लोगों को कितनी बार कैल्शियम बताया? हाँ, कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन डाइल्यूट एचसीएल के साथ नहीं करा पाओगे। मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन क्या होता है? एक सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस मिलेगा और H2O गैस, H2O वाटर वेपर मिलेगा, यही होता है ना? हाँ यस सर। मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ये तो मिलता है। चलो ये सब ध्यान रखो, ये सब पूछा गया है बोर्ड में क्वेश्चन सब। जैसे एक क्वेश्चन रीजन पूछना है, गिव रीजन, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, रीजन क्या होगा? टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट डिस्टिल्ड वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्या रीजन है? प्रेजेंस ऑफ आयंस। क्योंकि टैप वाटर में ऑब्वियसली आयंस प्रेजेंट होता है और फ्री आयंस प्रेजेंट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस रहता है क्या? कोई भी आयंस उसमें, डिजॉल्व आयंस नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो डिजॉल्व आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट रीजन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ड्राई ठीक है, ड्राई HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब ये अगर इसको रेड लिटमस के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, सॉरी ब्लू लिटमस के साथ, क्योंकि ब्लू लिटमस के साथ इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ब्लू लिटमस, तो ये रेड में चेंज होगा या नहीं होगा बताओ? नहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो एक्टिव नहीं है HCl। ड्राई HCl गैस देखो एक्चुअली ये कब ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा? जब H प्लस आयंस होगा इसके पास। हाँ। अभी इसके H प्लस आयंस फ्री है क्या ड्राई HCl में? नहीं, नहीं। गैस के फॉर्म में उसके आयंस फ्री नहीं है, तो ये आयंस फ्री कब होंगे? जब एक्वस हम लोग HCl लोगे, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, एक्वस मतलब पानी के साथ जब सॉल्यूशन बनाओगे, तो पानी के साथ जब सॉल्यूशन बनाते हैं तभी तो यहाँ से H प्लस आयन मिलता है, H प्लस एक्वस मिलता है और Cl माइनस ये एक्वस मिलेगा, क्लियर है ना? तो एसिड का डेफिनेशन यही तो है, जब उसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या देगा? H प्लस आयन देगा। तो H प्लस आयन कौन से में मिलेगा? ड्राई फॉर्म में मिलेगा क्या H प्लस आयन? नहीं मिलेगा। जब उसका एक्वस फॉर्म बनाएंगे तभी H प्लस आयन मिलता है, तो इसलिए ड्राई HCl गैस को ब्लू लिटमस से पास करोगे तो ये रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो रेड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा? हमको थोड़ा सा मॉइस्ट करना होगा, मतलब मॉइस्ट अगर यहाँ पे दिया रहेगा तुमसे मॉइस्ट HCl गैस, तो मॉइस्ट HCl गैस अब ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा या नहीं करेगा बताओ? करेगा, करेगा, क्योंकि अब मॉइस्चर आ गया वहां पे थोड़ा सा, तो मॉइस्चर आ गया तो उसके प्रेजेंस में एच प्लस मिल जाएगा, तो अब ये आसानी से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये होता है कि अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया गैस NH3, ये एक्चुअली में बेस होता है, अमोनिया गैस बेस है, ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई अभी तक जितना भी बेस का डेफिनेशन पढ़े हो, बेस का डेफिनेशन मेनली यही पढ़े हो कि उसमें क्या होना चाहिए, कि उसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो OH माइनस मिलना चाहिए, यहाँ पे तो देखने से कोई OH माइनस दिख रहा है क्या इसमें अमोनिया में? नहीं नहीं, बट ये एक बेस है, अमोनिया गैस जो है ये एक बेस है। क्यों बेस इसको बोलते हैं? तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे ना पानी के साथ, तो यहाँ पे तुमको OH माइनस आयन मिल जाएगा, देखो ये NH4 प्लस और OH माइनस आयन देता है, तो यहाँ से जब एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाते हैं तो हमको OH माइनस आयन मिलता है, इसलिए इसको अमोनिया गैस को बेस बोला जाता है। इसके फॉर्मूले में देखने से तुमको कोई OH आयन्स नहीं दिखेगा, बट जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो फिर हमको OH माइनस मिलता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है कि समर सीजन में मिल्कमैन जो होता है वो मिल्क में थोड़ा अमाउंट, फ्रेश मिल्क में वो थोड़ा सा अमाउंट बेकिंग सोडा ऐड करता है, क्यों करता है बताओ? क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है, ये क्वेश्चन है समर सीजन, क्या हो जाए ताकि दूध फट ना जाए? दूध क्यों फटता है, रीजन क्या होता है उसका? गर्मी से दूध फट जाता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, रिएक्शन क्या हो रहा होता है उसको केमिस्ट्री के टर्म में बताओ ना, गर्मी से क्या चेंज होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि समर सीजन में जो है मिल्कमैन फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता है, रीजन ये है कि बेकिंग सोडा ऐड करने, बेकिंग सोडा का तुम लोग पढ़े हो, बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, तो बेसिक नेचर का, और मिल्क में हमको पता है कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, सावर मिल्क में होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड एक्चुअली फ्रेश मिल्क में नहीं पाया जाता है, सावर मिल्क, तो जब फ्रेश मिल्क में क्या होता है? तो फ्रेश मिल्क में इसको ऐड जैसे ही बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, रीजन ये है कि वो मिल्क को जो है वो
लैक्टिक एसिड में चेंज नहीं होने दे रहा, जो थोड़ा बहुत भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है ना वहां मिल्क में, फ्रेश मिल्क में जो थोड़ा बहुत भी लैक्टिक एसिड अगर होगा प्रेजेंट, तो वो उससे रिएक्ट करके क्या कर देगा? बेकिंग सोडा का नेचर क्या है? बेसिक नेचर है, क्लियर है? यस सर। तो थोड़ा बहुत जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ना, एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन हो जाएगा, और वो न्यूट्रलाइज करके वो क्या कर देगा कि लैक्टिक एसिड को खत्म करते जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड अगर ज्यादा होते जाएगा तो वो क्या कर देगा, मिल्क को खट्टा बनाते जाएगा, ठीक है, वो सावर बनाते जाएगा मिल्क को। इसका आंसर लिख दीजिए ना एक बार। तो आंसर तो बोले, तुम लोग खुद से नहीं लिख पाओगे। आंसर क्या लिखोगे कि बेकिंग सोडा जो है ये डज नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, वो लैक्टिक एसिड में चेंज होने नहीं देता है क्योंकि न्यूट्रलाइज करते जाएगा वो, विच लैक्टिक एसिड के कारण विच मेक्स मिल्क सावर, ठीक है, तो वो मिल्क को लैक्टिक एसिड में पूरा कंप्लीटली बदलने नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है मिल्क को सावर बनाता है, इसलिए बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज करते रहे उसको, ठीक है, तुरंत जो है दूध खट्टा नहीं हो जाए, वो ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तक वो सही रहे, क्लियर है ना? बेकिंग सोडा का नेचर तो पता ही है, बेसिक नेचर का होता है, तो इसलिए वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। ठीक है, डाइल्यूशन के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं? एसिड को वाटर में ऐड करते हैं या वाटर को एसिड में? वाटर को एसिड। वाटर को एसिड में? नहीं नहीं, वाटर में एसिड। वाटर में एसिड, हाँ। क्यों ऐसा, हाँ, क्यों ऐसा किया जाता है, रीजन? और वो रिएक्शन बहुत मतलब एक्सोथर्मिक होता है, अगर हम वाटर मिलेंगे तो वो मतलब हम लोग को बर्न कर सकता, हान कर सकता, इसीलिए हम लोग, क्योंकि वो रिएक्शन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसलिए वो प्रिकॉशन लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा क्यों यूज किया जाता है बताओ? ब्रेड, ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को? हाँ सर, एक और ये क्वेश्चन था सर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का ये डिफरेंस क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर में बताया है ना, बेकिंग सोडा थोड़ा अमाउंट किसके साथ मिक्स होगा? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, हाँ, तो वो बेकिंग पाउडर होगा, लेकिन सिर्फ NaHCO3 अगर है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ अगर वही रहेगा तो वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसी में थोड़ा अमाउंट अगर टार्टरिक एसिड या कुछ भी एडिबल एसिड हम लोग ऐड कर दें थोड़ा अमाउंट में, तो ये क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। पाउडर, ठीक है, यही है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर तुम लोग को बताए है ना? यस सर। यस सर। क्या रिएक्शन होता है उसमें? सर NaHCO3 प्लस H2SO4। क्या प्रोडक्ट आता है? Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये काम क्या है इसका, कैसे फायर को ये एक्सटिंग्विश करेगा? सर CO2 जो है इनर्ट गैस प्रोवाइड कर देगा और H2O जो है हेल्प करेगा, मतलब जो भी बर्न होगा लोअर टेम्परेचर करने में। सराउंडिंग टेम्परेचर को वो क्या करेगा? कम करेगा। जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसका तो फिक्स्ड कोई इग्निशन टेम्परेचर होगा ना? यस सर। तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम कर देगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर के बिलो ले आएगा, ठीक है।
टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? कौन से सब्सटेंस में? सर टर्माइन में। क्या बोले? टार्टरिक एसिड कौन से सब्सटेंस में पाया जाएगा? बोलो। नहीं आता है तुम लोग को? ये सब लिखाया गया सारा टार्टरिक एसिड टैमरिंड होता है ना? टैमरिंड किसको बोलते हैं हम लोग? सर इमली। इमली तो टर्बाइन तुम बोल रहे हो, टैमरिंड है ना? ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाएगा? टमेटो। साइट्रिक एसिड? अरे साइट्रिक एसिड सर लेमन। लेमन या फिर ऑरेंज। लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड सर मिल्क। सावर मिल्क। ठीक है, फ्रेश मिल्क नहीं, सावर मिल्क। तुम लोग क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बना रहे हो। तुम लोग को बोल रहे हैं बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उससे बनाओ, प्रैक्टिस करो। जैसे बी स्टिंग के अराउंड अगर हम लोग बेकिंग सोडा रब करेंगे तो रिलीफ मिलता है, क्यों मिलता है, रीजन कोई बता सकता है? इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। कौन सा एसिड होता है? बी स्टिंग करने से कौन सा एसिड इंजेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी में? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है। कुछ भी तुम लोग नहीं पढ़ रही हो। सर फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को क्या करेगा वो? बेकिंग फॉर्मिक एसिड का एसिडिक नेचर है, बेकिंग सोडा का बेसिक नेचर है, तो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज और वो रिलीफ दे देगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद वो रिलीफ हो जाएगा। लोगों बोल रहे हैं पढ़ो, जितना भी बोर्ड का क्वेश्चन आया हो उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिना उसके प्रैक्टिस किए नहीं काम चलेगा, नहीं क्वेश्चन कर पाओगे। थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा देगा तो तुम लोग नहीं बना पाओगे, इसलिए बोल रहे हैं लास्ट 10 साल का एटलीस्ट चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करते जाओ। तो अभी कर लोगे तो अच्छा रहेगा चैप्टर के साथ। ठीक है, जो नहीं लिया हो खरीद लो जाके, दुकान वकान खुल ही गया है बुक का कब से, तो ले लो जाके, क्वेश्चन बैंक ले लो। साइंस जिसमें साइंस का रहेगा उसमें तीनों सब्जेक्ट का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, और मैथ्स का शायद अलग आता है। ठीक है, ले लो किसी भी पब्लिकेशन का, टुगेदर विद का ले लो, टुगेदर विद का अच्छा रहता है, या फिर और भी कोई देख, टुगेदर विद का मिलता है ना? हेलो। यस सर। तो किसका अच्छा है, टुगेदर विद का या और कोई, कौन सा पब्लिकेशन है सर? पता नहीं, ओसवाल का आइडिया नहीं है मेरे को, हम टुगेदर विद का देखें। ठीक ही है, देख लो अब जो भी अच्छा लगे, सब में तो सेम ही रहेगा, बोर्ड का क्वेश्चन ही देगा ना वो, कुछ अपने से तो थोड़ी ना देगा, और एक दो मॉक का रहेगा पेपर सब, उसमें एक दो नहीं 10-12 रहता है। ले लेना जो भी अच्छा लगे, देख लेना जाके। ब्राइन सॉल्यूशन से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा बताओ तो? सर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन किसको? ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को, NaCl प्लस H2। सॉल्यूशन ऑफ
NaCl, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे जब इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? एक NaOH बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Cl2। HCl कहाँ से आता है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है ना, हाइड्रोजन गैस तुम्हारा इवॉल्व होगा कैथोड पे और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा एनोड पे। ठीक है, तो यही ये रिएक्शन लिखना है तुमको कि ब्राइन सॉल्यूशन, ये हुआ ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा और NaOH का फॉर्मेशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर बार बार बोल रहे हैं, बोर्ड जाके लो बुक किसी भी पब्लिकेशन का लेके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज एक एक करके। ठीक है, अभी साथ में ही चल रहा है चैप्टर, तो साथ साथ ही करते जाओ, तो बाद में एक ही साथ हो जाएगा बहुत सारा, तो कर भी नहीं पाओगे उतने अच्छे से, इसलिए अभी ही करो, अभी अच्छा टाइम है, एक चैप्टर वाइज करते जाओ जो भी डाउट। कोई बोल रहा 70-80% क्वेश्चन रिपीट होगा, पहले से देखा हो रहे हो तो तुरंत बना दोगे ना वहां। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ही स्कोरिंग होता है, वो करो ही बिना प्रैक्टिस के, उसके जाना भी मत। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लो अच्छे से, बुकलेट कर लो, उसके बाद बोर्ड में बोर्ड वाला एक्सरसाइज पे चले जाओ, प्रीवियस ईयर बोर्ड। और कुछ पूछना है किसी को इसमें? बोलो, और कोई डाउट है किसी को? है हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। नो सर। चलो फिर तो नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट, तो अगले दिन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, तब तक एक वीक का टाइम है, तुम लोग एसिड बेस का, बोर्ड का एटलीस्ट कवर, दोनों चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस का और एसिड बेस का, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट, पांच पांच साल का, 10 साल का हम नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का करके रखना। ठीक है, लास्ट लास्ट 5 ईयर्स केमिकल रिएक्शंस का भी और एसिड बेस एंड सॉल्ट का भी, तो ये करके रखना एटलीस्ट। ठीक है, वो हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो एक वीक का टाइम है नेक्स्ट क्लास तक करके रखना, फिर उसके बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करके रखना, जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना, नहीं तो फिर डाउट नहीं होगा तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर मेटल ऑन मेटल। ठीक है, यस सर। चलो तो फिर एंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ये भेजना है क्या, PDF सेंड करेंगे या लिख लियो ये सारा? नहीं सर, नहीं लिखा है, सेंड कर दीजिए, भेज दीजिएगा। ठीक है, कर देंगे सेंड। चलो चलो तो फिर एंड कर रहे हैं। ठीक है।